तो फ्रेंड्स, आज कर रहे हैं अपने स्कॉर्पियो का माइलेज टेस्ट और आज आपको बताएंगे कि अपनी स्कॉर्पियो कितना माइलेज देती है। अभी हम जा रहे हैं दिल्ली, सो आपको आज हम हाईवे का माइलेज बताएंगे। अभी गाड़ी में डीजल कम है और 62 की रेंज दिखा रहा है, फुल करवाते हैं। और फ्रेंड्स, हमने डीजल पूरा फुल करवा लिया ऊपर तक और अभी आया डीजल 4600। कितने ये लीटर आया डीजल और देख रहे हो टंकी पूरी फुल कर ली है। हाँ ठीक है, पर्ची ले ले रहे हैं और हम सीधे दिल्ली में ला डलवाएंगे डीजल और देखेंगे कितना गाड़ी माइलेज दे रही है। ये देख लो इतना आया डीजल अपने पास अभी फुल करवाने पर। तो फ्रेंड्स, ट्रिप को हम यहाँ से जीरो कर देते हैं और जो 5% का एरर है जो टायर अपसाइजिंग का है उसको हम पहले घटाएंगे। टोटल डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल किया है उसको घटाने के बाद हम डीजल का एवरेज निकालेंगे। अभी हम दिल्ली आ चुके हैं, टोटल अभी तक हमारी गाड़ी 180 चलने वाली है। हम पूरे एक्सप्रेसवे क्रूज ऑन करके 100 की स्पीड मेंटेन करते हुए आए हैं। अभी देखते हैं, अभी हमें और थोड़ा सा ओखला वगैरह में काम है, उसको करने के बाद हम जिसमें फिर डीजल डलाएंगे लौटते समय और देखेंगे पूरी सिटी और प्लस हाईवे ड्राइव में 100 की स्पीड मेंटेन करके गाड़ी ने कितना माइलेज दिया। अभी हम यहाँ पर 80 की चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्पीड लिमिट है 100 की। सो आई थिंक गाड़ी 13-12 के बीच का एवरेज दे सकती है क्योंकि काफ़ी टाइम हमें एक्सप्रेस वे में ब्रेक भी लगाने पड़े हैं और यहाँ पर भी सिटी में आपको तो मालूम है दिल्ली में काफ़ी ब्रेक का यूज़ करना पड़ता है। तो वो पता करते हैं। ये वीडियो मैंने पहले सोचा था कि सिर्फ हाईवे की बनाऊंगा, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब चलो मिक्स बनाते हैं सिटी प्लस हाईवे में कैसा मिक्स एवरेज देती है। वीडियो में बने रहिएगा और आपको पता चलेगा कि मेरी स्कॉर्पियो कितना माइलेज दे रही है और ये टायरों के साथ जिसमें 5% का एरर। हम आ गए हैं सुबह वाले पेट्रोल पंप पे दिल्ली से लौट कर और टोटल हमारी गाड़ी अब चली है 425 ऑन मीटर रिकॉर्ड और अभी गाड़ी में रेंज दिखा रहा है 394 और 16 का माइलेज दिखा रहा है ऑन डिस्प्ले। अब इससे हम अभी वॉन्ट टू करवा रहा अपना टंकी फुल इस सुबह वाला पेट्रोल पंप पे। दिल्ली में पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा था सो हमने फिर डलवाया नहीं। अब देखते हैं कितने का पड़ता है। डीजल डला लिया फ्रेंड्स और 28 लीटर डीजल आया है इसमें अभी। तो अगर हम 425 में से 5% का एरर हटाते हैं तो टोटल गाड़ी चली है हमारी 425 माइनस 21। 21 जो है उसमें ये जो टायर का अपसाइज किया है वो एरर है ये 21। तो 404 चली डिवाइडेड बाय हम करते हैं 28 लीटर तो बराबर हमारी गाड़ी का जो आ रहा माइलेज 404 डिवाइडेड बाई 28। तो आप ये देख सकते हो 14.4 का माइलेज दिखा रही थी और ऑन मीटर अगर हम बात करें तो ऑन मीटर गाड़ी का जो माइलेज था वो 16.6 का था। सो यही था आज का मेरा माइलेज का वीडियो। ये एग्जैक्ट वैल्यू अभी भी नहीं है पर ये है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हमने टायर अपसाइज किया है। तो 14.4 है, मतलब 14 का तो माइलेज गाड़ी दिया ही है क्योंकि हमने आज गाड़ी पूरी क्रूज में चलाई है और 100 से ऊपर हमने स्पीड नहीं क्रॉस करी है और ये माइलेज दिल्ली के ट्रैफिक में और यमुना एक्सप्रेस वे में हमने चलाया है। गाड़ी हाईवे प्लस सिटी दोनों में गाड़ी ने जो माइलेज दिया है वो है 14.4। यही अगर हम 425 विदाउट एरर हटाकर अगर हम करें तो जो माइलेज गाड़ी दिखा रही है वो है 15.17 का। ये एरर तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये टायर हमने अपसाइज किया था। सो यही था आज का हमारा माइलेज का वीडियो। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें एंड शेयर करें।